विधानसभा सामान्य निर्वाचन में आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप के प्रेक्षक मनीष गौतम इन दिनों जनपद में हैं। सोमवार को उन्होंने जहां जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न संगठन के लोगों से मुलाकात की, वहीं मंगलवार को प्रेक्षक महोदय स्वीप प्रभारी ऋतु सुहास के साथ शहर के प्रतिष्ठित शिवली नेशनल पीजी कॉलेज जा पहुंचे। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपनी शक्ति को पहचाने, 4 मार्च को मतदान करें स्लोगन लिखे फ्लैक्स पर हस्ताक्षर कराए और मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर स्वीप के प्रेक्षक ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में बताया कि छात्राओं को खुद के मतदान के साथ ही घर परिवार और पड़ोसियों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है कि आने वाले 4 मार्च को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में मतदान होना है। चूंकि कॉलेज के ज्यादातर बच्चे जो है वो वोटर है, मत देंगे अपना, इसलिए उनको एक शपथ दिलाई गई है कि आप लोग निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और मतदान करने के साथ साथ अपने घर परिवार और पड़ोस को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो दिनांक 4 मार्च को जाकर के अवश्य अपना मतदान करें। उसी श्रृंखला में यहाँ पर के जो बहुत सारे जो बच्चे थे, खास करके बच्चे थे अल्पसंख्यक वर्ग के, उनको ये शपथ दिलाई गई है ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। इस पूरे जो 3-4-5 जो विधानसभा क्षेत्र, जैसे कल हम लोग सगड़ी विधानसभा में गए थे तो सदर में भी और भी जो कॉलेजेस हैं, तो कॉलेज स्कूलों के को मतलब मैं कोशिश करके इनके बच्चों को कैंपस एम्बेसडर के रूप में उपयोग करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा इनके घर परिवार आस पड़ोस में ये संदेश प्रसारित कराया जाए ताकि लोग अपने मताधिकारों को प्रयोग करें। तो इसके लिए बहुत सारे कॉलेज और जो स्कूल हैं इस पूरे जनपद के, उनका चयन किया गया और उसमें कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक स्कूलों के द्वारा और कॉलेजों के द्वारा ये संदेश दिया जाए, तो इसमें कई कॉलेज स्कूल शामिल हैं। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ग्यास असद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से शत प्रतिशत मतदान में मदद मिलेगी। आज जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हैं वो स्वयं यहाँ पर आए गए थे और हमने एक बहुत बड़ा फ्लैग्स का बोर्ड बनवा रखा था जिसपे सब बच्चों ने सिग्नेचर किया और उसके बाद ऑब्जर्वर साहब और यहाँ पर जो स्वीप की प्रभारी हैं डीडीसी ऋतु सुहास जी भी आई हुई थी, उन मतदाताओं को न सिर्फ एक शपथ दिलाई गई कि वो मतदान में सक्रिय हिस्सा लेंगे, बल्कि उसके अतिरिक्त ऑब्जर्वर साहब ने भी उनको इस बात का बार बार ताकीद किया कि वो मतदान में स्वयं भी हिस्सा लें, अपने घर परिवार, अपने मोहल्ले के लोगों को भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी एक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान उनके द्वारा भी किया गया। बच्चे इससे उन्होंने एक सबक लिया, उनके अंदर भी एक उत्साह था, उनके अंदर भी एक तरह किया जिसको कहा जाता है कि चुनाव के प्रति एक जागरूकता थी और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़कर के इसमें हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान कॉलेज की छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने कहा कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान अवश्य करेंगे। सबसे पहले हमें धर्म जाति से उठकर मतदान करना चाहिए, जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे सपोर्ट कर सके, पढ़ा लिखा नेता हो, सबसे जरूरी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। धर्म से और जाति से उठकर हर चीज का, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एवरीवन, जो भी हो। और हम यही कहेंगे कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं हमारे माँ बाप भाई बहन जो वोट को ये सोचते हैं कि वो एक अपना टाइम वेस्ट करना है, उससे उठकर वो सोचे कि बहुत जरूरी है हमारे लिए और जाकर वोट करें। थैंक यू सो मच। हम लोगों को बताया गया कि अपने अपने घरों में जाके अपनी अम्मी से, अब्बू से, सबसे कहना है कि हमें वोट देना है। मतदान सबको, सबके लिए जरूरी है, सबको देना चाहिए, सबका हक है। यहाँ पर हमारी जिलाधिकारी महोदय ऋतु सुहास ने बताया है कि हमें मतदान कितना आवश्यक है, हमें अपने एक एक मत कितना मूल्यवान है, देश के निर्माण का भविष्य हम युवाओं को ही सुनिश्चित करना है। वे लोग जो लोग 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं वे अपने मतदान का निर्भीकता से पालन करें।
मौसम का मिजाज बदलते ही एक बार फिर सर्दी अपना पूरा रंग दिखाने लगी है। सर्द पछुआ हवा, शीतलहर और घना कोहरा, यानी कड़ाके की ठंडी का हर इंतजाम एक बार फिर। ठंड और कोहरा बढ़ जाने से जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, रेलगाड़ियों के आवागमन पर भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कमोवेश सभी रेलगाड़ियां घंटों लेट चल रही हैं। स्टेशन पर बैठे यात्री तमाम असुविधाओं के बीच समय काट रहे हैं। यहां तक कि पूछताछ काउंटर पर बैठने वाले लोग ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, जिससे यात्रियों को रेलगाड़ियों की सही स्थिति का पता भी नहीं चल पा रहा है। जबकि आलम यह है कि सरयू यमुना एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें जो आजमगढ़ से होकर गुजरती हैं, मंगलवार को भी काफी लेट रही। इस बाबत एबीसी चैनल से हुई बातचीत में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य टिकट परीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव ने ताजा स्थिति की जानकारी दी और बताया कि हाँ, ट्रेनों के आवागमन पर व्यापक असर पड़ा है। गाड़ियां तो बहुत लेट हैं और कुछ कोहरे का असर है, कुछ सर्द गर्म मौसम के चलते भी गाड़ियों में प्रभाव पड़ा है और कुछ रूट चेंज होने के कारण भी प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में सबसे पहली गाड़ी 181-92 उत्सर्ग एक्सप्रेस है जो फरुखाबाद से छपरा जाती है। निर्धारित समय 3:20 है, 7 घंटे विलम्ब से चली है। उसके बाद आपके आज की डेट में 13:37 कलकत्ता से आती है आजमगढ़ के लिए, वो गाड़ी आपकी 6:10 की टाइम थी, वो भी 2.5 घंटे करीब लेट से आई है। और यहाँ से 8 बजे खुलने का टाइम था, वो गई है करीब करीब 10:45 के लगभग। उसके बाद आपके 22:26 कैफियत भी विलम्ब से, 9:30 आने का टाइम है, करीब करीब वो 5 घंटे विलम्ब से चल रही है। 19:65 साबरमती आ रही है, इसका टाइम 8:20 का है, ये भी करीब करीब 4-4.5 घंटे विलम्ब से चल रही है। उसके बाद आपकी 46:50 सरयू यमुना आज की डेट में है, अमृतसर से जयनगर आती है, 12:40 दोपहर का टाइम है, 3:30 घंटा करीब विलम्ब से चल रही है। लगभग हर गाड़ियां कुछ न कुछ कोहरे के प्रभाव से विलंबित हो रही हैं। वैसे तो रेल प्रशासन ट्रेनों की स्पीड और टाइमिंग सुधारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस पर ये सर्दी और कोहरा दोनों भारी पड़ रहे हैं। अब यही लग रहा है कि जैसे रेल प्रशासन और यात्रियों सभी को मौसम का मिजाज बदले इसी का इंतजार करना होगा। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र वर्मा ने पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम को मास्टर ट्रेनरों द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन के संबंध में दिए जा रहे प्रशिक्षण का अवलोकन किया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों को ईवीएम मशीन की सेटिंग, मार्क पोल 17A एवं 17C रजिस्टर के संबंध में जानकारी दी जा रही थी। इस मौके पर एबीसी चैनल से हुई बातचीत में सीडीओ ने बताया कि ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है और यह 6 फरवरी तक चलेगी। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर प्रथम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि 4 मार्च को मतदान कैसे कराएं, कब प्रस्थान करना है, क्या क्या तैयारी करनी है और मतदान के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये मतदान कार्मिकों का फर्स्ट ट्रेनिंग है जिसमें पीठासीन अधिकारी या पोलिंग अफसर फर्स्ट इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 30 तारीख से ट्रेनिंग शुरू हुई है और 6 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी, बीच में 2 दिन का गैप है। इसमें पोलिंग पार्टियों को, पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम को विशेष करके, कैसे मतदान कराना है, कब यहां से प्रस्थान करेंगे, क्या क्या तैयारियां करेंगे, क्या चीज चेक करेंगे, क्या चीज विशेष सावधानी रखेंगे, तो मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया पे बहुत विस्तृत तौर से इनको बताया जा रहा है, इनकी ट्रेनिंग दी। संसद में 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में ही इस बार रेल बजट भी शामिल होगा।
सरकार के सुधारवादी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करेंगे। ऐसे में रेल बजट पर आजमगढ़वासी भी निगाह लगाए हुए हैं। 50 लाख से अधिक आबादी वाले जनपद में न तो पर्याप्त ट्रेनें हैं और न ही मॉडल स्टेशन के बाद भी रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं हैं। रेलवे के क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के पूर्व सदस्य सुरेश शर्मा रेल बजट से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोलकाता और मुंबई जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बदल सकते हैं, साथ ही वाराणसी से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर रेल लाइन के लिए धन आवंटित किया जा सकता है और लखनऊ के लिए नई ट्रेन भी चलाई जा सकती है। आजमगढ़ कोलकाता के फेरे बढ़ने की उम्मीद है। आजमगढ़ लोकमान तिलक जो सप्ताह में एक दिन चलती है उसके भी फेरे बढ़ने की उम्मीद है इस बजट में है। उम्मीद की जा रही है कि बढ़ेगा। हर एक ट्रेन आजमगढ़ से लखनऊ की भी मिलने की उम्मीद है और वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर पे कार्य के लिए फंड भी मिलने की उम्मीद है। सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही उस पर पैसा मिलेगा तो फिर अर्थवर्क का काम शुरू हो जाएगा। क्या इस बजट में पैसा पास हो जाएगा जो आजमगढ़ वाराणसी? हाँ, अधिक उम्मीद है। जिस हिसाब से हमारे सांसद नीलम सोनकर जी लगे हुए हैं और अगल बगल के सांसद जो के क्षेत्र से वो ट्रेन होके जानी है, सब लोग प्रयासरत हैं और मोदी जी का विशेष ध्यान पूर्वांचल के लिए भी है और जिससे कि अधिक उम्मीद है कि पूर्वांचल को और भी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। और पहले की क्या क्या घोषणाएं? पहले की घोषणाएं 2009 में आजमगढ़ को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया था और लेकिन रेल के अधिकारी लोग शुद्ध रूप से पिछली सरकार के समय 2010 में प्लेटफार्म नंबर 2 का निर्माण शुरू हुआ था जो आज तक नहीं पूरा हुआ, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये रेल के अधिकारी जो है तानाशाही ढंग से काम कर रहे हैं और सरकारों को बदनाम करने का काम करते हैं। इनकी वजह से सरकार बदनाम होती है और कार्यों की गुणवत्ता एकदम खत्म हो गई है। रेल में ऑटोमेटिक 40 सीढ़ी की आवश्यकता है जो कि पहले से स्वीकृत है। मॉडल स्टेशन के तहत 2 नंबर प्लेटफार्म को जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, उस पर यात्री सुविधाओं को पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। फूड प्लाजा की यहाँ पे स्वीकृत है, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल स्वीकृत है, लेकिन रेल अधिकारियों के तानाशाही रवैये के कारण से कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है। बिलैसा निवासी मनीष कुमार सिंह का मानना है कि इस बार के रेल बजट में आजमगढ़ को कई सौगात मिल सकती है। आजमगढ़ जो है पूर्व में मॉडल स्टेशन घोषित किया गया है 2009 में, तब से यहाँ पे एक अस्पताल स्वीकृत किया गया है जो कि आज तक उसकी नींव भी नहीं रखी गई। दूसरी बात, प्लेटफार्म नंबर 2 जो कि वर्षों से बन रहा है और आज तक बना नहीं, तो जो भी दूसरी ट्रेन आती है तो उसके जो सवारी होते हैं उसको उतरने में काफी दिक्कत होती है। तो प्लेटफार्म नंबर 2 कब तक बनेगा? और रेलवे के उच्चाधिकारी आते हैं यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके हमेशा जो है ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम अब हो जाएगा अब हो जाएगा, और ये विगत 7 वर्षों में नहीं तैयार हुआ। तो मेरा तो सीधे सीधे ये है कि जो बड़े उच्चाधिकारी हैं उनकी जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये कब बनेगा, ठीक है, और मीडिया के माध्यम से ये रेल मंत्रालय तक चली जाए बात जो है, और आकर के इसको निरीक्षण करें रेल मंत्री या जो भी अधिकारी हो आकर निरीक्षण करें और उसकी जवाबदेही दें कि ये कितने समय में पूरा होगा। दूसरी ट्रेनें हैं जो एक दिन चलती हैं सप्ताह में, उनके फेरे बढ़ाए जाएं। लखनऊ की कोई सेवा नहीं है दिन में यहाँ से जाने की, तो लखनऊ की एक ट्रेन जो बहुत बार हम लोग पेपर में पढ़े हैं कि लखनऊ की ट्रेन चलेगी, आखिर कब चलेगी? हमारे जो रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा जी, वो बगल के हैं, तो गाजीपुर बलिया को काफी सुविधाएं दे दी गई, लेकिन आजमगढ़ जो एकदम उपेक्षित है, तो हम उम्मीद करते हैं उनसे, ये माननीय चीफ मिनिस्टर के पिताजी का कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, ना वो सदन में कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा कि इतने बड़े नेता हैं, अगर वो थोड़ा सा आजमगढ़ पे ध्यान दे देते रेल के मामले में तो इसका बहुत ही कायाकल्प हो जाता और उनके संबंध बजट में मैं यही उम्मीद करूंगा कि यहां से बॉम्बे की ट्रेन चलाई जाए, यहां से कोलकाता की ट्रेन चलाई जाए और लखनऊ की सीधी सेवा जाए, क्योंकि राजधानी है, राजधानी से आजमगढ़ को रेल सेवा से जोड़ना बहुत ही जरूरी है।
और प्लेटफार्म नंबर 2 मेरी। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनरों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराए जाने के लिए पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा कि सभी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देने में मेहनत किए हैं, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभी पूर्ण रूप से ट्रेन नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान ज्यादातर लोगों में देखने में आया कि ईवीएम के संबंध में ठीक प्रकार से बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जनपद में 3,461 बूथ बनाए गए हैं। मास्टर ट्रेनरों से कहा कि पहली बार जो मतदान अधिकारी प्रथम एवं पीठासीन अधिकारी बने हैं, उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है। पुराने लोग तो अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं, लेकिन नए लोगों को ईवीएम के संबंध में विधिवत जानकारी देनी है। डीएम ने कहा कि मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि कमजोर लोगों को चिन्हीकरण करके उन्हें अलग से अच्छे ढंग से समझाएं। कहा कि इन्हीं के ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी है, इसलिए इनको ईवीएम के संबंध में पूरी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वीयू एवं सीयू को जोड़ने, मॉकपोल कराने के संबंध में पूरी तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही 17A एवं 17C रजिस्टर के संबंध में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने और जिले में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को यातायात पुलिस ने टीएसआई जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में सघन अभियान चलाया। शहर के बवाली मोड़, गिरजाघर चौराहा और पुरानी जेल तिराहा पर जबरदस्त चेकिंग की गई, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। चेकिंग के दौरान 22 गाड़ियों का चालान काटा गया, 4,200 रुपए हर्जाना वसूला गया और 12 गाड़ियों से काली फिल्म उतारी गई। आजमगढ़ बोले तो एक ऐसा शहर जहां सब कुछ चल सकता है। यहां रास्ता बंद भी है तो यहां वही रास्ता चालू भी है। यह बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सिधारी हाइडिल चौराहे से छतवारा जाने वाली सड़क पर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि आगे रेलवे क्रॉसिंग के इस पार और उस पार ओवरब्रिज का काम जोर शोर से चल रहा है। रास्ता बंद का बोर्ड लगाकर कार्यदायी संस्था अपने हिसाब से काम कर रही है। उधर इस क्षेत्र में रिहायशी मकानों और करीब 7-8 स्कूलों के चलते बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन भी बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि यहां सड़क पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों में आए दिन स्कूली बच्चे, बाइक सवार और बुजुर्ग गिर रहे हैं। सोमवार को भी एक बाइक सवार युवक इसी गड्ढे में अचानक गिर गया। यह गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि काफी चोट लगी है, लेकिन वो ट्रीटमेंट कराने मेरे पास आया तो नाम तो नहीं कुछ बताया अभी। वो भी बहुत जल्दी में था, उसको बैंक में कहीं जाना था, पैसा निकालने की मजबूरी में था बेचारा। जल्दी जल्दी में आया, चूंकि बैरिकेटिंग सही ढंग से हुई नहीं थी, उस वजह से उस छोटा साइड से निकालने के चक्कर में बता रहा था कि उसी में हम गिर गए। वो गलीमत ये हुआ कि बाइक नहीं गिरी उसकी, वही गिरा, लेकिन उसको पेल्विक बोन में चोट ज्यादा आई है कमर में, तो उसको पेन ज्यादा ही थे तो उसको पेन किलर लगा के फर्स्ट एड करके उसको जाना था इसलिए इमरजेंसी में, फिर उसको छोड़ दिया गया, फिर वो चला गया। इस घटना से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं।
कुछ लोगों ने बताया कि कार्यदायी संस्था को बकायदे वैकल्पिक रास्ता सड़क के दोनों ओर देना चाहिए, लेकिन वे लोग गड्ढा खोदकर पूरी सड़क ब्लॉक कर दिए हैं। बाइक से जा रहा था, फंस करके गिर गया, बाइक उसी बाहर गिरी, वो अंदर गिर गया गड्ढे में। ओवर ब्रिज का काम चल रहा है और गड्ढे की खुदाई हो रही है, जेसीबी मशीन खुदाई कर रही है। उधर से आ रहा था, फंस गया, गाड़ी उसकी बाहर गिरी, वो गड्ढे में गिर गया। नहीं, अभी नहीं बना था, दूर दूर बनाए थे, इधर नहीं बनाए थे गड्ढे के पास। उसका लोग बंद किए नहीं है, बगल रास्ता दिए नहीं है, खुदाई कर रहे हैं। सबसे पहले इनको रास्ता देनी चाहिए आने जाने के लिए। हाँ, हो ही सकती है, अभी भी घटना हो सकती है, कोई सुरक्षा नहीं है उसकी। सब बच्चे आ जा रहे हैं, स्कूल अगल बगल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी गिर सकता है। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग हैं जिनका घर इस रोड और आसपास की गली मोहल्ले में है। इसके अलावा छोटे छोटे स्कूली बच्चे तो रोज ही जान जोखिम में डालकर स्कूल आ जा रहे हैं। यहीं के रहने वाले अबरार खान कहते हैं कि जिम्मेदार विभाग के अफसर मौन हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि कोई पतला चौड़ा रास्ता दिया जाए। एबीसी चैनल ने इस बाबत कार्यदायी संस्था के किसी जिम्मेदार अफसर से बात करने का प्रयास किया तो साइट पर कोई भी जिम्मेदार अफसर मौजूद नहीं था। लोग जिला प्रशासन तक मदद की आस में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि शायद इस बंद रास्ते की समस्या का कोई रास्ता निकल जाए। न्यू शैक्षणिक सत्र के लिए अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षण संस्थान CBSE दिल्ली से मान्यता प्राप्त विज्ञान कॉमर्स एवं मानविकी वर्ग 10+2 तक स्थान सीमित शीघ्रता करें। वहाँ की अच्छी व्यवस्था, खेल कूद का मैदान, कंप्यूटर क्लास, साइंस लैब, हवादारी कमरे। कॉन्टेक्ट 054-20-92-33-87-38-88-33-33 054-620-92-33-873-88-83-333। नींव चाहे मकान की हो या आपके बच्चे के भविष्य की, बेहद मजबूत होनी चाहिए। गुणवत्तायुक्त शिक्षा और बेहतर संस्कार के साथ बच्चों की मजबूत नींव तैयार करता है पिछले कई वर्षों से सफलतापूर्वक संचालित स्प्रिंग डेल स्कूल, पांडे बाजार, आजमगढ़। द स्कूल इज एफिलिएटेड टू द CBSE। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास एल्थ, योग एवं अनुभवी टीचिंग स्टाफ। द स्कूल प्रोवाइड्स स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, डांस एंड म्यूजिक क्लासेस, योगा, गेम्स, हेल्थ एंड मेडिकल चेकअप, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल। सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर एट स्प्रिंग डेल स्कूल, पांडे बाजार, आजमगढ़। ईशान पब्लिक स्कूल रुहवा मुस्तफाबाद, आजमगढ़। एफिलिएशन फॉर द सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। स्टूडेंट टेक एडमिशन इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम। स्कूल इज सिचुएटेड इन साइलेंट एंड काम एटमॉस्फियर एट आजमगढ़ वाराणसी हाईवे। वेल क्वालिफाइड, एक्सपीरियंस्ड एंड डिवोटेड टीचर्स। वेल इक्विप्ड एंड सेपरेट लेबोरेटरीज फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर एंड मैथमेटिक्स। स्पेशियस एंड वेंटिलेटेड क्लासरूम लैस्ड विथ CCTV। वेल इक्विप्ड लाइब्रेरी, प्रॉपर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अट्रैक्टिव प्लेग्राउंड फॉर स्पोर्ट्स एंड गेम्स, म्यूजिक एंड डांस क्लासेस। सिक्योर योर चाइल्ड फ्यूचर एट ईशान पब्लिक स्कूल रुहवा मुस्तफाबाद, आजमगढ़।
आजमगढ़ में मेडिकल इंस्ट्रूमेंट का एकमात्र हाईटेक शोरूम पालीवाल फार्मा, ग्रामीण बैंक के पीछे मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। कमर दर्द से हो परेशान या फिर गर्दन के दर्द का करना हो निदान, यहीं पर आपको मिलेगा सर्वाइकल कॉलर और सर्वाइकल ट्रैक्शन किट। इसके अलावा वाकर, बैशाखी, व्हील चेयर, सुगर टेस्ट किट, ब्लड प्रेशर मशीन व हियरिंग मशीन भी अवेलेबल। आजमगढ़, मऊ, बलिया सहित पूर्वांचल के सभी नर्सिंग होम संचालकों के लिए खुशखबरी, पालीवाल फार्मा से प्राप्त करें ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू के सभी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ईसीजी मशीन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, डॉपलर के साथ ही जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी व ऑर्थोपेडिक्स के सभी सामान। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट की थोक व फुटकर खरीदारी के लिए संपर्क करें पालीवाल फार्मा, ग्रामीण बैंक के पीछे मऊ रोड सिधारी आजमगढ़। कहाँ बीत रहा है आपके बेटे का बचपन, कहाँ बैठकर देखती है आपकी बिटिया बेहतर भविष्य के सपने, कभी सोचा है आपने? आपकी इसी सोच और सपनों को साकार करते हैं सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिवार। सेंट्रल पब्लिक स्कूल CBSE न्यू दिल्ली की मान्यता प्राप्त आजमगढ़ का ऐसा एकेडमिक कैंपस जो छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। आजमगढ़ का एकमात्र प्राइवेट स्कूल जिसके उत्कृष्ट शैक्षणिक प्रबंधन व कड़े अनुशासन को सराहते हुए CBSE ने बनाया बोर्ड एग्जाम सेंटर। यहां दी जाती है साइंस, आर्ट व कॉमर्स की स्ट्रीम में 10+2 तक की गुणवत्ता युक्त शिक्षा अनुभवी व प्रशिक्षित शिक्षकों द्वारा। पिछले कई वर्षों से बोर्ड एग्जाम के एक्सलेंट रिजल्ट, क्योंकि छात्र छात्राओं को CBSE परिवार देते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री व बायोलॉजी के हाईटेक लैब, लाइब्रेरी और सिक्योरिटी के साथ सदर मार्गों से स्कूल व फैसिलिटी। छात्र छात्राओं की प्रतिभा संवारने के लिए यहाँ कार्य करती है एक्सपर्ट काउंसलरों व कुशल प्रशिक्षकों की खास टीम। डांस, म्यूजिक, कंप्यूटर क्लासेस के अलावा एक्सपर्ट सिखाते हैं वो हुनर जिनकी बदौलत आज का छात्र कल संवारेगा अपना फ्यूचर, अपना करियर। अभिभावकों की भारी डिमांड पर CBSE परिवार ने किया शाखा विस्तार। जाफरपुर के बाद फरिया, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की नई सौगात। सभी शाखाओं में नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ। जल्द संपर्क करें सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, फरिया, मोहम्मदपुर एंड नाउ इन सेंट्रल पब्लिक स्कूल मुबारकपुर आजमगढ़। होटल ग्रैंड सेंटर आजमगढ़ का सबसे बड़ा यूनिक इंटरनेशनल डेकोर, नेचुरल लाइट एवं 5-स्टार क्वालिटी मैट्रेस के साथ सभी रेंजों में कमरे उपलब्ध। मंगलम बैंक्वेट हॉल, शहर का एकमात्र 500 कैपेसिटी का हॉल, कॉर्पोरेट मीटिंग, बिजनेस डिनर एवं शादी निकाह के लिए सर्वोत्तम है। 5-स्टार की तर्ज पर 100 कैपेसिटी का प्रोफेशनल सेटअप, मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हॉल, मित्रों सहयोगियों के साथ चाय पे चर्चा के लिए मंत्रणा। रेस्टोरेंट दरबारी खास, शेफ मोहम्मद आमिर, एम थापा और दीपक प्रजापति देंगे लजीज मुगलाई, चाइनीज ए इंडियन डिशेज। प्रोफेशनल सर्विस के साथ सोफिस्टिकेटेड एम्बियंस। रेस्टोरेंट दरबारी खास, हर शनिवार और रविवार लाइव म्यूजिक, एक पारिवारिक रेस्टोरेंट जिसकी क्वालिटी उसकी पहचान है। प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, अ कंप्लीट डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन आजमगढ़। शरीर की जांच के लिए अब आपको महानगर जाने की जरूरत नहीं, महानगरों जैसी सुविधा अब आपके शहर आजमगढ़ में उपलब्ध। MRI ऑफ ब्रेन, स्पाइन, बॉडी एंड ज्वाइंट, सिटी स्कैन, मल्टी स्प्लाइस होल बॉडी सिटी स्कैन, हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड, डॉपलर स्टडी, डिजिटल एक्सरे, कार्डियक टैच, 2D इको, डिजिटल TMT, डिजिटल ECG, अल्टर मॉनिटरिंग, मेमोग्राफी, OPG, BFT एंड पैथोलॉजी। एम्बुलेंस फैसिलिटी आल्सो अवेलेबल ओनली एट प्रताप डायग्नोस्टिक सेंटर, सिविल लाइन आजमगढ़।
इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। विधानसभा सामान्य निर्वाचन में आजमगढ़ जिले की सभी 10 विधानसभा सीटों पर 4 मार्च को वोट डाले जाएंगे। चुनाव में शत प्रतिशत मतदान के लिए स्वीप के प्रेक्षक मनीष गौतम इन दिनों जनपद में हैं। सोमवार को उन्होंने जहां जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की और विभिन्न संगठन के लोगों से मुलाकात की, वहीं मंगलवार को प्रेक्षक महोदय स्वीप प्रभारी ऋतु सुहास के साथ शहर के प्रतिष्ठित शिवली नेशनल पीजी कॉलेज जा पहुंचे। इस दौरान कॉलेज के छात्र छात्राओं को अपनी शक्ति को पहचाने, 4 मार्च को मतदान करें स्लोगन लिखे फ्लैक्स पर हस्ताक्षर कराए और मतदान अवश्य करने की शपथ दिलाई गयी। इस अवसर पर स्वीप के प्रेक्षक ने एबीसी चैनल से हुई बातचीत में बताया कि छात्राओं को खुद के मतदान के साथ ही घर परिवार और पड़ोसियों को भी मतदान करने के लिए प्रेरित करने को कहा गया। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है कि आने वाले 4 मार्च को आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीटों में मतदान होना है। चूंकि कॉलेज के ज्यादातर बच्चे जो है वो वोटर है, मत देंगे अपना, इसलिए उनको एक शपथ दिलाई गई है कि आप लोग निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान करें और मतदान करने के साथ साथ अपने घर परिवार और पड़ोस को भी इस बात के लिए प्रेरित करें कि वो दिनांक 4 मार्च को जाकर के अवश्य अपना मतदान करें। उसी श्रृंखला में यहाँ पर के जो बहुत सारे जो बच्चे थे, खास करके बच्चे थे अल्पसंख्यक वर्ग के, उनको ये शपथ दिलाई गई है ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इस पूरे दो तीन चार पांच जो विधानसभा क्षेत्र, जैसे कल हम लोग सगड़ी विधानसभा में गए थे तो सदर में भी और भी जो कॉलेजेस हैं, तो कॉलेज स्कूलों के को मतलब मैं कोशिश करके इनके बच्चों को कैंपस एम्बेसडर के रूप में उपयोग करते हुए ये कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा इनके घर परिवार आस पड़ोस में ये संदेश प्रसारित कराया जाए ताकि लोग अपने मताधिकार को प्रयोग करें। तो इसके लिए बहुत सारे कॉलेज और जो स्कूल हैं इस पूरे जनपद के, उनका चयन किया गया और उसमें कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक स्कूलों के द्वारा और कॉलेजों के द्वारा ये संदेश दिया जाए, तो इसमें कई कॉलेज और स्कूल शामिल हैं। इस मौके पर कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ग्यास असद ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से शत प्रतिशत मतदान में मदद मिलेगी। आज जो चुनाव आयोग के ऑब्जर्वर हैं वो स्वयं यहाँ पर आए गए थे और हमने एक बहुत बड़ा फ्लैग्स का बोर्ड बनवा रखा था जिसपे सब बच्चों ने सिग्नेचर किया और उसके बाद ऑब्जर्वर साहब और यहाँ पर जो स्वीप की प्रभारी हैं डीडीसी ऋतु सुहास जीआईवी आई हुई थी, उन मतदाताओं को न सिर्फ एक शपथ दिलाई गई कि वो मतदान में सक्रिय हिस्सा लेंगे, बल्कि उसके अतिरिक्त ऑब्जर्वर साहब ने भी उनको इस बात का बार बार ताकीद किया कि वो मतदान में स्वयं भी हिस्सा लें, अपने घर परिवार, अपने मोहल्ले के लोगों को भी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन यानी एक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान उनके द्वारा भी किया गया। बच्चे इससे उन्होंने एक सबक लिया, उनके अंदर भी एक उत्साह था,
उनके अंदर भी एक तरह की जिसको कहा जाता है कि चुनाव के प्रति एक जागरूकता थी और उन्होंने भी बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया। मतदाता जागरूकता अभियान के दौरान कॉलेज की छात्राओं में गजब का उत्साह देखने को मिला। छात्राओं ने कहा कि हम जाति धर्म से ऊपर उठकर मतदान अवश्य करेंगे। सबसे पहले हमें धर्म जाति से उठकर मतदान करना चाहिए, जो हमारे लिए सही हो, जो हमारे सपोर्ट कर सके, पढ़ा लिखा नेता हो, सबसे जरूरी, क्योंकि हम स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है ये चीज। धर्म से और जाति से उठकर हर चीज का, चाहे वो किसान हो, स्टूडेंट्स हो, टीचर्स हो, एवरीवन, जो भी हो। और हम यही कहेंगे कि बड़े बूढ़े बुजुर्ग जितने भी हैं हमारे माँ बाप भाई बहन, जो वोट को ये सोचते हैं कि वो एक अपना टाइम वेस्ट करना है, उससे उठकर वो सोचें कि बहुत जरूरी है हमारे लिए और जाकर वोट करें। थैंक यू सो मच। हम लोगों को बताया गया कि अपने अपने घरों में जाके अपनी अम्मी से अब्बू से सबसे कहना है कि हमें वोट देना है। मतदान सबको, सबके लिए जरूरी है, सबको देना चाहिए, सबका हक है। यहाँ पर हमारी जिला अधिकारी महोदय ऋतु सुहास ने बताया है कि हमें मतदान कितना आवश्यक है, हमें अपने एक एक मत कितना मूल्यवान है, देश के निर्माण का भविष्य हम युवाओं को ही सुनिश्चित करना है। वे लोग, जो लोग 18 वर्ष से अधिक हो चुके हैं, वे अपने मतदान का निर्भीकता से पालन करें। मौसम का मिजाज बदलते ही एक बार फिर सर्दी अपना पूरा रंग दिखाने लगी है। सर्द पछुआ हवा, शीतलहर और घना कोहरा, यानी कड़ाके की ठंडी का हर इंतजाम एक बार फिर। ठंड और कोहरा बढ़ जाने से जनजीवन तो प्रभावित हुआ ही है, रेलगाड़ियों के आवागमन पर भी इसका व्यापक असर देखा जा रहा है। आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से होकर गुजरने वाली कमोवेश सभी रेलगाड़ियां घंटों लेट चल रही हैं। स्टेशन पर बैठे यात्री तमाम असुविधाओं के बीच समय काट रहे हैं। यहां तक कि पूछताछ काउंटर पर बैठने वाले लोग ढूंढने से भी नहीं मिल रहे, जिससे यात्रियों को रेलगाड़ियों की सही स्थिति का पता भी नहीं चल पा रहा है। जबकि आलम यह है कि सरयू यमुना एक्सप्रेस, उत्सर्ग एक्सप्रेस, साबरमती एक्सप्रेस सहित कई ट्रेनें जो आजमगढ़ से होकर गुजरती हैं, मंगलवार को भी काफी लेट रहीं। इस बाबत एबीसी चैनल से हुई बातचीत में आजमगढ़ रेलवे स्टेशन पर तैनात मुख्य टिकट परीक्षक अजय कुमार श्रीवास्तव ने ताजा स्थिति की जानकारी दी और बताया कि हाँ, ट्रेनों के आवागमन पर व्यापक असर पड़ा है। गाड़ियां तो बहुत लेट हैं और कुछ कोहरे का असर है, कुछ सर्द गर्म मौसम के चलते भी गाड़ियों में प्रभाव पड़ा है और कुछ रूट चेंज होने के कारण भी प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान समय में सबसे पहली गाड़ी 1/81/92 उत्सर्ग एक्सप्रेस है, जो फरुखाबाद से छपरा जाती है। निर्धारित समय सुबह 3:20 है, 7 घंटे विलंब से चली है। उसके बाद आपके आज के डेट में 13:37 कलकत्ता से आती है आजमगढ़ के लिए। वो गाड़ी आपकी 6:10 की टाइम थी, वो भी 2.5 घंटे करीब लेट से आई है और यहाँ से 8 बजे खुलने का टाइम था, वो गई है करीब करीब 10:45 के लगभग। उसके बाद आपके 22:26 कैफियत भी विलंब से है, सुबह 9:30 आने का टाइम है, करीब करीब वो 5 घंटे विलंब से चल रही है। 19:65 साबरमती आ रही है, इसका टाइम सुबह 8:20 का है, ये भी करीब करीब 4-4.5 घंटे विलंब से चल रही है। उसके बाद आपकी 46:50 सरयू यमुना आज की डेट में है, अमृतसर से जयनगर आती है, 12:40 दोपहर का टाइम है, 3.5 घंटा करीब विलंब से चल रही है। लगभग हर गाड़ियां कुछ न कुछ कोहरे के प्रभाव से विलंबित हो रही है। वैसे तो रेल प्रशासन ट्रेनों की स्पीड और टाइमिंग सुधारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उस पर ये सर्दी और कोहरा दोनों भारी पड़ रहे हैं। अब यही लग रहा है कि जैसे रेल प्रशासन और यात्रियों सभी को मौसम का मिजाज बदले इसी का इंतजार करना होगा।
मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र वर्मा ने पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारी प्रथम को मास्टर ट्रेनरों द्वारा डीएवी इंटर कॉलेज में ईवीएम मशीन के संबंध में दिए जा रहे प्रशिक्षण का अवलोकन किया। प्रशिक्षण के दौरान मतदान कार्मिकों को ईवीएम मशीन की सेटिंग, मार्क पोल 17A एवं 17C रजिस्टर के संबंध में जानकारी दी जा रही थी। इस मौके पर एबीसी चैनल से हुई बातचीत में सीडीओ ने बताया कि ट्रेनिंग का आज दूसरा दिन है और यह 6 फरवरी तक चलेगी। बताया कि प्रशिक्षण के दौरान पीठासीन अधिकारी और पोलिंग ऑफिसर प्रथम को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि 4 मार्च को मतदान कैसे कराएं, कब प्रस्थान करना है, क्या क्या तैयारी करनी है और मतदान के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये मतदान कार्मिकों का फर्स्ट ट्रेनिंग है जिसमें पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अफसर फर्स्ट इनकी ट्रेनिंग दी जा रही है। ये 30 तारीख से ट्रेनिंग शुरू हुई है और 6 तारीख तक ये ट्रेनिंग चलेगी, बीच में 2 दिन का गैप है। इसमें पोलिंग पार्टियों को पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम को विशेष करके कैसे मतदान कराना है, कब यहाँ से प्रस्थान करेंगे, क्या क्या तैयारियां करेंगे, क्या चीज चेक करेंगे, क्या चीज विशेष सावधानी रखेंगे, तो मतदान की संपूर्ण प्रक्रिया पे बहुत विस्तृत तौर से इनको बताया जा रहा है, इनकी ट्रेनिंग भी। संसद में 1 फरवरी को पेश होने वाले आम बजट में ही इस बार रेल बजट भी शामिल होगा। सरकार के सुधारवादी एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए वित्त मंत्री अरुण जेटली रेल बजट को अलग से पेश की जाने वाली 92 साल पुरानी परंपरा को खत्म करेंगे। ऐसे में रेल बजट पर आजमगढ़वासी भी निगाह लगाए हुए हैं। 50 लाख से अधिक आबादी वाले जनपद में न तो पर्याप्त ट्रेनें हैं और न ही मॉडल स्टेशन के बाद भी रेलवे स्टेशन पर पर्याप्त यात्री सुविधाएं हैं। रेलवे के क्षेत्रीय परामर्शदात्री समिति के पूर्व सदस्य सुरेश शर्मा रेल बजट से ढेरों उम्मीद लगाए बैठे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि कोलकाता और मुंबई जाने वाली साप्ताहिक ट्रेन के फेरे बदल सकते हैं, साथ ही वाराणसी से आजमगढ़ होते हुए गोरखपुर रेल लाइन के लिए धन आवंटित किया जा सकता है और लखनऊ के लिए नई ट्रेन भी चलाई जा सकती है। आजमगढ़ कोलकाता के फेरे बढ़ने की उम्मीद है। आजमगढ़ लोकमान तिलक जो सप्ताह में एक दिन चलती है उसके भी फेरे बढ़ने की उम्मीद है इस बजट में है। क्या आपको लगता है कि उम्मीद की जा रही है कि बढ़ेगा? हर एक ट्रेन आजमगढ़ से लखनऊ की भी मिलने की उम्मीद है और वाराणसी आजमगढ़ गोरखपुर पे कार्य के लिए फंड भी मिलने की उम्मीद है। सर्वे पूरा हो चुका है और जल्द ही उस पर पैसा मिलेगा तो फिर अर्थ वर्क का काम शुरू हो जाएगा। क्या इस बजट में पैसा पास हो जाएगा जो आजमगढ़ वाराणसी? हाँ, अधिक उम्मीद है। जिस हिसाब से हमारे सांसद नीलम सोनकर जी लगे हुए हैं और अगल बगल के सांसद जो के क्षेत्र से वो ट्रेन होके जानी है, सब लोग प्रयासरत हैं और मोदी जी का विशेष ध्यान पूर्वांचल के लिए भी है और जिससे कि अधिक उम्मीद है कि पूर्वांचल को और भी सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। और पहले की क्या क्या घोषणाएं? पहले की घोषणाएं 2009 में आजमगढ़ को आदर्श स्टेशन घोषित किया गया था और लेकिन रेल के अधिकारी लोग शुद्ध रूप से पिछली सरकार के समय 2010 में प्लेटफार्म नंबर 2 का निर्माण शुरू हुआ था जो आज तक नहीं पूरा हुआ, इससे ये प्रतीत हो रहा है कि ये रेल के अधिकारी जो है तानाशाही ढंग से काम कर रहे हैं और सरकारों को बदनाम करने का काम करते हैं। इनकी वजह से सरकार बदनाम होती है और कार्यों की गुणवत्ता एकदम खत्म हो गई है। रेल में ऑटोमेटिक 40 सीढ़ी की आवश्यकता है जो कि पहले से स्वीकृत है। मॉडल स्टेशन के तहत 2 नंबर प्लेटफार्म को जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए, उस पर यात्री सुविधाओं को पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। फूड प्लाजा की यहाँ पे स्वीकृत है, यहाँ पे जो है हॉस्पिटल स्वीकृत है, लेकिन रेल अधिकारियों के तानाशाही रवैये के कारण से कोई कार्य पूरा नहीं हो रहा है।
बिलेसा निवासी मनीष कुमार सिंह का मानना है कि इस बार के रेल बजट में आजमगढ़ को कई सौगात मिल सकती है। आजमगढ़ जो है पूर्व में मॉडल स्टेशन घोषित किया गया है 2009 में, तब से यहाँ पे एक अस्पताल स्वीकृत किया गया है जो कि आज तक उसकी नींव भी नहीं रखी गई। दूसरी बात प्लेटफार्म नंबर 2 जो कि वर्षों से बन रहा है और आज तक बना नहीं, तो जो भी दूसरी ट्रेन आती है तो उसके जो सवारी होते हैं उसको उतरने में काफी दिक्कत होती है। तो प्लेटफार्म नंबर 2 कब तक बनेगा, और रेलवे के उच्चाधिकारी आते हैं यहाँ पे निरीक्षण करते हैं, निरीक्षण करके हमेशा जो है ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि ये काम अब हो जाएगा, और ये विगत 7 वर्षों में नहीं तैयार हुआ। तो मेरा तो सीधे सीधे ये है कि जो बड़े उच्चाधिकारी हैं उनकी जो है जवाबदेही तय होनी चाहिए कि ये कब बनेगा, ठीक है, और मीडिया के माध्यम से ये रेल मंत्रालय तक चली जाए बात जो है, और आकर के इसको निरीक्षण करें रेल मंत्री या जो भी अधिकारी हो आकर निरीक्षण करें और उसकी जवाबदेही दें कि ये कितने समय में पूरा होगा। दूसरी ट्रेनें हैं जो एक दिन चलती हैं सप्ताह में, उनके फेरे बढ़ाए जाएं। लखनऊ की कोई सेवा नहीं है दिन में यहां से जाने की, तो लखनऊ की एक ट्रेन जो बहुत बार हम लोग पेपर में पढ़े हैं कि लखनऊ की ट्रेन चलेगी, आखिर कब चलेगी। हमारे जो रेल राज्य मंत्री हैं मनोज सिन्हा जी, वो बगल के हैं, तो गाजीपुर बलिया को काफी सुविधाएं दे दी गई, लेकिन आजमगढ़ जो एकदम उपेक्षित है, तो हम उम्मीद करते हैं उनसे, ये माननीय चीफ मिनिस्टर के पिताजी का कंस्टिट्यूएंसी है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ, ना वो सदन में कहते हैं कि नहीं कहते हैं ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सीधे सीधे ये बोलूंगा कि इतने बड़े नेता हैं, अगर वो थोड़ा सा आजमगढ़ पे ध्यान दे देते रेल के मामले में तो इसका बहुत ही कायाकल्प हो जाता, और उनके संबंध बजट में मैं यही उम्मीद करूंगा कि यहां से बॉम्बे की ट्रेन चलाई जाए, यहां से कोलकाता की ट्रेन चलाई जाए और लखनऊ की सीधी सेवा जाए, क्योंकि राजधानी है, राजधानी से आजमगढ़ को रेल सेवा से जोड़ना बहुत ही जरूरी है, और प्लेटफार्म नंबर 2 मेरी ये। जिला निर्वाचन अधिकारी सुहास एलवाई की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मास्टर ट्रेनरों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2017 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में कराए जाने के लिए पोलिंग पार्टियों की ट्रेनिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा कि सभी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देने में मेहनत किए हैं, लेकिन प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले अभी पूर्ण रूप से ट्रेन नहीं हो पाए हैं। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान ज्यादातर लोगों में देखने में आया कि ईवीएम के संबंध में ठीक प्रकार से बता नहीं पाए। उन्होंने कहा कि जनपद में 3,461 बूथ बनाए गए हैं। मास्टर ट्रेनरों से कहा कि पहली बार जो मतदान अधिकारी प्रथम एवं पीठासीन अधिकारी बने हैं उनको ज्यादा समझाने की जरूरत है। पुराने लोग तो अच्छी तरह से समझ जा रहे हैं, लेकिन नए लोगों को ईवीएम के संबंध में विधिवत जानकारी देनी है। डीएम ने कहा कि मास्टर ट्रेनर की जिम्मेदारी है कि कमजोर लोगों को चिन्हीकरण करके उन्हें अलग से अच्छे ढंग से समझाएं। कहा कि इन्हीं के ऊपर चुनाव की जिम्मेदारी है, इसलिए इनको ईवीएम के संबंध में पूरी जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि वीयू एवं सीयू को जोड़ने, मॉक पोल कराने के संबंध में पूरी तरह से प्रशिक्षण होना चाहिए। इसके साथ ही 17A एवं 17C रजिस्टर के संबंध में भी पूरी जानकारी प्राप्त कर। आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से अनुपालन कराने और जिले में अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यातायात पुलिस का चेकिंग अभियान लगातार जारी है। मंगलवार को यातायात पुलिस ने टीएसआई जयप्रकाश यादव के नेतृत्व में सघन अभियान चलाया। शहर के बवाली मोड़, गिरजाघर चौराहा और पुरानी जेल तिराहा पर जबरदस्त चेकिंग की गई, जिससे वाहन चालकों में हड़कंप की स्थिति रही। चेकिंग के दौरान 22 गाड़ियों का चालान काटा गया, 4,200 रुपए हर्जाना वसूला गया और 12 गाड़ियों से काली फिल्म उतारी गई।
आजमगढ़ बोले तो एक ऐसा शहर जहां सब कुछ चल सकता है। यहां रास्ता बंद भी है तो यहां वही रास्ता चालू भी है। यह बोर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है, यह सिधारी हाइडिल चौराहे से छतवारा जाने वाली सड़क पर लगाया गया है। क्यों? क्योंकि आगे रेलवे क्रॉसिंग के इस पार और उस पार ओवरब्रिज का काम जोर शोर से चल रहा है। रास्ता बंद का बोर्ड लगाकर कार्यदायी संस्था अपने हिसाब से काम कर रही है। उधर इस क्षेत्र में रिहायशी मकानों और करीब 7-8 स्कूलों के चलते बड़ी तादाद में लोगों का आवागमन भी बना हुआ है। इसी का नतीजा है कि यहां सड़क पर खोदे गए बड़े बड़े गड्ढों में आए दिन स्कूली बच्चे, बाइक सवार और बुजुर्ग गिर रहे हैं। सोमवार को भी एक बाइक सवार युवक इसी गड्ढे में अचानक गिर गया। यह गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। उसका इलाज करने वाले डॉक्टर ने बताया कि काफी चोट लगी है, लेकिन वो ट्रीटमेंट कराने मेरे पास आया तो नाम तो नहीं कुछ बताया अभी। वो भी बहुत जल्दी में था, उसको बैंकों में कहीं जाना था, पैसा निकालने की मजबूरी में था बेचारा। जल्दी जल्दी में आया, चूंकि बैरिकेटिंग सही ढंग से हुई नहीं थी, उस वजह से उस छोटा साइड से निकालने के चक्कर में बता रहा था कि उसी में हम गिर गए। वो गली में थी, बाइक नहीं गिरी उसकी, वही गिरा, लेकिन उसको पेल्विक बोन में चोट ज्यादा आई है कमर में, तो उसको पेन ज्यादा ही थे, तो उसको पेन किलर लगा के फर्स्ट एड करके उसको जाना था, इसलिए इमरजेंसी में फिर उसको छोड़ दिया गया, फिर वो चला गया। इस घटना से स्थानीय लोग काफी नाराज हैं। कुछ लोगों ने बताया कि कार्यदायी संस्था को बकायदे वैकल्पिक रास्ता सड़क के दोनों ओर देना चाहिए, लेकिन वे लोग गड्ढा खोदकर पूरी सड़क ब्लॉक कर दिए हैं। बाइक से जा रहा था, फंस करके गिर गया, बाइक से बाहर गिरी, वो अंदर गिर गया गड्ढे में। ओवर ब्रिज का काम चल रहा है और गड्ढे की खुदाई हो रही है, जेसीबी मशीन खुदाई कर रही है। उधर से आ रहा था, फंस गया, गाड़ी उसकी बाहर गिरी, वो गड्ढे में गिर गया। नहीं, अभी नहीं बना था, दूर बनाए थे, इधर नहीं बनाए थे गड्ढे के पास। उसका लोग बंद किए नहीं है, बगल रास्ता दिए नहीं है, खुदाई कर रहे हैं। सबसे पहले इनको रास्ता देनी चाहिए आने जाने के लिए। हाँ, हो ही सकती है, अभी भी घटना हो सकती है, कोई सुरक्षा नहीं है उसकी। सब बच्चे आ जा रहे हैं, स्कूल अगल बगल है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई भी गिर सकता है। सबसे ज्यादा परेशान वे लोग हैं जिनका घर इस रोड और आसपास की गली मोहल्ले में है। इसके अलावा छोटे छोटे स्कूली बच्चे तो रोज ही जान जोखिम में डालकर स्कूल आ जा रहे हैं। यहीं के रहने वाले अबरार खान कहते हैं कि जिम्मेदार विभाग के अफसर मौन हैं, जबकि उनकी जिम्मेदारी है कि कोई पतला चौड़ा रास्ता दिया जाए। एबीसी चैनल ने इस बाबत कार्यदायी संस्था के किसी जिम्मेदार अफसर से बात करने का प्रयास किया तो साइट पर कोई भी जिम्मेदार अफसर मौजूद नहीं था। लोग जिला प्रशासन तक मदद की आस में अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि शायद इस बंद रास्ते की समस्या का कोई रास्ता निकल जाए। GGD Global School, Azamgarh. All classrooms are smart classes with the latest in technology. 6200 square feet library, which will be the best in Purvanchal. Foster independent thinking, creativity, responsibility and a sense of moral integrity. GD Global School, to develop a multi-faced personality, to strive towards the development of strong minds. Personal attention to all students, indoor and outdoor games, computer lab, science lab, dance and music. Transport facility also available. GD Global School, Kartarpur Bypass Road, Azamgarh. RP Green Estate लाए हैं आपके लिए स्पोर्ट सिटी कुर्सी रोड पर, जिसमें आप पा सकते हैं पूर्ण विकसित रेजिडेंशियल एवं कमर्शियल प्लॉट्स। हमारे पास है 3000 से भी ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का साथ। मैं RP सिंह, RP Green Estate पहली ऐसी कंपनी है जिसमें पहले बाउंड्री और फिर रजिस्ट्री कराते हैं, जिसमें ग्राहक को पूर्ण संतुष्टि हो सके। आप सभी से निवेदन है कि एक बार RP ग्रीन को सेवा का मौका जरूर प्रदान करें। बुकिंग के लिए संपर्क करें RP ग्रीन एस्टेट, जहां सच होते हैं सब। सनबीम हॉस्टल्स आर अ होम अवे फ्रॉम होम।
where every child is groomed to excel in life. Physical training and sports coaching by professional coaches provide all boarders the opportunity to chisel their skills and bring out the champion. Gymnasium and playgrounds give them the means to train better. Uninterrupted internet facility help children in their academics and also in connecting with the world. The cafeteria and canteens of our hostels meet the nutritional requirements of the children. Through various activities, children are groomed into achievers. Calling booths help parents connect with their wards. Well-equipped infirmaries aid in effectively dealing with medical exigencies in hostel. Each hostel has a temple where children gather for satsang that helps strengthen their spiritual quotient, thus making every sunbeam a complete being. At Sunbeam, we care to care. Come and witness a world with a difference in Sunbeam. Azamgarh Dental Care, Multi Speciality Dental and Medical Health Care Center, Nand Plaza, Nikat Pahalwan Tiraha, Harbanspur, Azamgarh. Dr. Shikha Yadav, BDS, MPDC, Kanpur aur Kusal Doctors ki team dwara Mukh evam Dant Rogon ka Sampurna Ilaj. Suvidhaen, Daanton ka X-ray, Laser dwara Daanton ke Rang ki Filling, Girte Hue Daanton ko Rokna, आधुनिक मशीनों द्वारा दांतों की सफाई, पायरिया व फूले मसूड़ों का इलाज, मुंह से बदबू आना, ठंडा गर्म पानी लगना, दांतों की ब्लीचिंग द्वारा रंग साफ करना, अंदर बाहर और टेढ़े दांतों का इलाज, अखरदान की परेशानी, दांत लगवाना और हड्डी के अंदर से मवाद बनने का सफल इलाज. हमारा पता है आजमगढ़ डेंटल केयर, दंत प्लाजा, निकट पहलवान तिराहा, हरवंशपुर, आजमगढ़. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़. जिले के पहले मल्टी स्पेशलिटी एवं ट्रामा सेंटर में जनरल व लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अमित सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू सिंह, बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कलीम, न्यूरोसर्जन डॉक्टर विपुल टंडन, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विनय कुमार चौहान दे रहे हैं अपनी सेवाएं. वेंटिलेटर युक्त आईसीयू, एनआईसीयू, दूरबीन विधि से पित्त की थैली, अपेंडिक्स के सफल ऑपरेशन की अत्याधुनिक सुविधा, वेल इक्विप्ड डायग्नोस्टिक लैब, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट फैसिलिटी, एम्बुलेंस एंड इमरजेंसी सर्विस अवेलेबल 24 आवर्स. रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, नरौली, आजमगढ़. नील, कुछ खाने का मन कर रहा है. Beautiful. Innovative beds and mattresses from Godrej Interio. Beautiful. Innovative sofas from Godrej.